इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के सोपोर से आ रही है, जहां पर कॉलेज के छात्रों और पुलिस के बीच झड़प हुई है। बताया जा रहा है कि लोगों और पुलिस की झड़प में जो छात्र थे वो भी शामिल थे, उन्होंने भी पथराव किया पुलिस पर। और जरा जानकारी के साथ शुजा उल हक हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुजा, क्या है पूरा मामला और कैसे हुई शुरुआत इस झड़प की? देखिए, ये झड़प आज सुबह से ही वहाँ हो रही है। जैसे ही स्कूल कॉलेज खुलना शुरू हो गए, कुछ स्कूलों के जो सरकारी स्कूल हैं उनके बच्चे बाहर निकले और प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। ये प्रदर्शन पिछले कई दिनों से जो स्कूल बाकी सारे स्कूलों में जो इसी तरीके से प्रदर्शन हो रहे हैं, और उनमें जो जिन लड़कों को अरेस्ट किया गया था उसी के ऊपर ये प्रदर्शन हो रहे थे। और जैसे ही ये स्टूडेंट्स बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, तभी पुलिस ने इनको रोकने की कोशिश की। टियर गैस शेल्स यूज किए गए, तभी ये झड़पें शुरू हो गई। जैसा आप इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं, काफी तनाव भरा माहौल पूरे इलाके में था। अब हमको बताया जा रहा है कि कोशिश की जा रही है कि पूरी जो सिचुएशन है उसको किसी ना किसी तरीके से कंट्रोल में लाया जाए, लेकिन अब भी पूरा इलाका जो है तनाव से भरा हुआ है। आप देख रहे हैं इसमें जो है पूरी छात्राएं भी शामिल हैं इन प्रदर्शनों में। मैं आपको बता दूं कि पिछले 2-3 हफ्ते से लगातार इसी तरीके से जो है स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट बहुत सारे इलाकों से हो रहे हैं। पुलवामा डिग्री कॉलेज से ये बात शुरू हुई थी कुछ हफ्ते पहले, जहां करीब 50 स्टूडेंट जख्मी हुए थे, और तब से लगातार श्रीनगर और बाकी इलाकों में भी इस तरीके के प्रोटेस्ट हुए। हालांकि अब श्रीनगर के कई इलाकों में जो है स्कूल्स कॉलेज खोल दिए गए हैं, प्रोटेस्ट की खबरें कम आ रही हैं, लेकिन सोपोर जैसे इलाकों से आज ऐसी खबरें आ रही हैं। सुजय, आपसे ये जानना चाहेंगे, क्या जानकारी मिली है इस झड़प में? ये जो छात्र छात्राएं शामिल थे, इन पर पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की है, उसमें छात्र छात्राएं घायल हुए हैं? जी, अभी तक जो हमको स्थानीय लोगों से खबरें मिली हैं उसके हिसाब से कुछ छात्र इसमें जख्मी भी हुए हैं। पूरा जो नंबर है, संख्या, वो अभी तक साफ नहीं है, लेकिन जैसा इन तस्वीरों में भी जाहिर है, पूरा इलाका काफी तनाव में अभी भी है। कोशिश सरकार की और जो सुरक्षा बल है उनकी कोशिश यही है कि किसी न किसी तरीके से इस पूरे इलाके को एक हिसाब से कंट्रोल किया जाए, और उसके बाद ही बाकी जी। बहुत बहुत शुक्रिया शुजा इस तमाम जानकारी के लिए आपका। शुजा उल हक हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आज तक के पास, जिसमें आप देख रहे थे किस तरह से बड़ी संख्या में छात्र और छात्राएं शामिल थे पुलिस पर पथराव करने में।